दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल पर। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं और ये वीडियो है बकरे और बकरियों में होने वाले एप्सिस, यानी जैसे हम अपनी भाषा में फोड़ा बोलते हैं। और ये बहुत आम प्रॉब्लम है बकरियों में और ये अधिकतर लिम्फ नोड्स पर होती है। बकरियों के टोटल 12 लिम्फ नोड होते हैं, वो जंक्शन होते हैं जहाँ से एक फ्लूड इनके बॉडी में हार्मोन्स ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ अक्सर जो है किसी गंदगी के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इनको एप्सिस हो जाता है। जैसे अभी आप हमारे साथ ये बकरा देख रहे हैं, एक सिरोही नस्ल का बकरा है ये, और इनके जो लिम्फ नोड होते हैं वो कानों के पास यहाँ 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 बैक साइड और यहाँ, ये टोटल 12 लिम्फ नोड होते हैं और इसको एक एप्सिस हुआ है। और दोस्तों, आप ध्यान दीजिए इसमें कि एप्सिस में और ट्यूमर में क्या अंतर है। अगर इनको ट्यूमर होता है तो ट्यूमर अगर आप प्रेस करेंगे तो बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होता है, और जो एप्सिस होता है वो समय के साथ धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है और पक जाता है। ये आज थोड़ी देर पहले ही अपने आप इसमें मुंह बन गया और ये फूट गया है। तो अब हमको इसकी क्लीनिंग करना है, तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से इसको साफ़ करना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी पस रहेगा तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, यानी इसको फिर से इसी जगह पर एप्सिस हो जाएगा और ये ठीक नहीं हो पाएगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है इसमें दोस्तों, अगर जब भी आप इसकी सफाई करें, क्लीनिंग करें, तो इसमें हाइजीन का यानी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, विशेष रूप से अपनी साफ सफाई का। इन द सेंस आपको ग्लव्स ज़रूर यूज़ करने हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल पस है, ये हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और अगर पशुओं में भी यहां से वहां लगता है एक दूसरे में तो ये दिक्कत करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बकरी पालन और जो पशुपालन से संबंधित जानकारियां हैं वो हम आपको समय समय पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए अब हम इसको शुरू करते हैं। मैं दिखाता हूं इसको कैसे क्लीनिंग करना है। दोस्तों, ये जब आप भी इसकी क्लीनिंग करें, सफाई करें इस एप्सिस की, तो आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होना चाहिए, कुछ साधन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, वो या तो सर्जिकल ग्लव्स हो सकते हैं या मैंने ये प्लास्टिक वाले ग्लव्स यूज़ करे हैं, कोई भी ग्लव्स हो जिससे प्रोटेक्शन रहे और साफ़ सफाई का पूरा इसमें इंतज़ाम रहे। दूसरा है, आपके पास कुछ मेडिसिन होना चाहिए, जैसे आपने सुना होगा पोविडान आयोडीन या जिसे हम बीटाडीन बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको मैंने क्या किया है, इसको लगभग 100 ml के आसपास पानी लिया है और उसमें करीब 10 ml ये दवाई डाली है। इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे एब्सिस को अंदर से साफ़ करेंगे, अंदर से क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे। साथ में आपके पास साफ़ वाली कॉटन होना चाहिए, कॉटन गेज। इसके बाद सफाई के बाद इसमें हम टॉपिक्योर स्प्रे आता है, टॉपिक्योर स्प्रे हम इसलिए लगाते हैं कि मक्खियों से दूर रहे, मक्खियां दूर रहें इससे और कोई भी गंदगी या कोई भी कीड़ा इसमें ना पड़े, इसके लिए हम टॉपिक्योर इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और आती है, बहुत ही कॉमन ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं हीमैक्स। ये हीमैक्स ट्यूब है, आयुर्वेदिक ट्यूब है। इसको हम घाव के ऊपर लगा देंगे जिससे कि इसकी घाव की फिलिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। और इस घाव को सुखाने के लिए हम एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, टैक्सिम। ये 500 mg का इंजेक्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसको हम 3 दिन तक लगाएंगे, ये 5 ml आता है सॉल्यूशन इसका, 5 ml पर डे के हिसाब से हमें 3 दिन लगाना है। और अगर ये घाव या एप्सिस छोटा है उसका, अगर हमको साफ़ करना है उसको, तो हम ये सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। ये सर्जिकल ब्लेड 20 नंबर की आती है, इसकी कॉस्ट हार्डली 3.5-4 रुपये है। हमेशा फ्रेश ब्लेड आप यूज़ करें जिससे कि ये इसमें कोई गंदगी ना हो। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस ब्लेड को, ये इस तरीके से सर्जिकल ब्लेड आती है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें लेके हम हमारे पास होना चाहिए, फिर हम इसको इसके क्लीनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसमें पस कितना है। उसके लिए मैंने एक कोई ख़राब सी पॉलीथीन ली है जिसमें कि ये पस को मैं पूरा निकाल सकूं। तो इसको, चूँकि इसमें ऑलरेडी ये देखिए जगह बन गई है, और अगर जगह कम रही तो मैं इसको ब्लेड से कट करके इसको इसका साइज़ बढ़ाऊँगा। ये देखिए पस निकल रहा है इसमें से, थोड़ा एनिमल को तकलीफ होती है। इसको पकड़ो ठीक से, ये देखिए इस तरीके से पूरा पस निकल रहा है। ये देखिए पूरा पस निकल गया है इसमें से। अब मैं इसको इसके अंदर पोविडन आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो अंदर डालूंगा, जिससे वो जो उसके थक्के बन गए हैं पस के, वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल आएंगे। तो इसके लिए मैं इस इंजेक्शन से इसको ये सॉल्यूशन भर के और इसमें डालेंगे हम। ये देखिए इसमें डाल के
और ये पूरा हिला देंगे इसको अच्छे से। ये देखिए अभी और निकला है इसमें से, कंटिन्यू निकलता जा रहा है ये पस, ये देखिए। इसको डाल के थोड़ी देर इसमें होल्ड करना है इसको, ताकि ये लिक्विड क्या करेगा, एक तो अंदर से क्लीनिंग भी करेगा इसकी, बैक्टीरिया को मारेगा, और जो पस है वो लिक्विड फॉर्म में बन के बाहर निकलेगा। इसको थोड़ी देर होल्ड करिए, चारों तरफ से पल्प को घुमाइए, और ये देखिए पूरा पूरा ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब इसको मैं एक बार और इसमें बीटाडीन डालूंगा, इस तरीके से इसको क्लीन करना है। ये देखिए ये जो थक्के निकल रहे हैं इसमें से, जो छोटे छोटे पीसेस, ये भी नहीं बचना चाहिए अंदर। देखिए दोस्तों ये फॉर्सेप होती है, इस फॉर्सेप से क्या है हमको इसको पकड़ना है और इस कॉटन को डाल के और ये पूरा अंदर से क्लीन करना है इसको, ताकि इसमें जितने भी पस सेल्स हैं, छोटी से छोटी पस सेल्स भी, ये देखिए अभी कॉटन में पस निकल के आ रहा है, इसको क्लीन करना है। ये देखिए पूरे स्पेस में अंदर तक चारों तरफ इसको घुमाएंगे, कहीं पर भी ये पस, ये देखिए अभी भी पस आ रहा है इसमें, मतलब छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे धक्के बने हैं, नॉट सेल्स। जितना ज़्यादा आप इसको क्लीन करेंगे उतनी जल्दी ये हील होगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये दोबारा से रीजनरेट होता है, एब्सेस ठीक नहीं होता है। ये इस तरीके से हमने इसको क्लीन कर दिया, अब ये रुई काफ़ी हद तक क्लीन आने लगी है। अब इसमें एक बार और हम बीटाडीन डालेंगे, ये देखिए उसको हिलाने से कुछ और पस निकले। ये देखिए अब ये पस निकलना, ना ना कुछ एकदम क्लीन है। ठीक अब मुझे इसको क्लीन करना है, अब इसमें हम हाईमैक्स हीमैक्स जो ट्यूब है वो लगाएंगे, और इसके बाद इसमें ऊपर से हम टॉपिक्योर का स्प्रे कर देंगे। ऑइंटमेंट है इसको, ये पूरा अंदर जाएगा हीमैक्स, देखिए इसका जो ओपनिंग है इसको हमें बंद रखनी है हीमैक्स ट्यूब से, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे इसको इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे, और ये चारों तरफ हीमैक्स लगा देंगे जिससे कि मक्खी वगैरह ना बैठे, और इसके बाद हम टॉपिक्योर का स्प्रे कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस इसको साफ़ सफाई का ध्यान रखें आप, और ये इस तरीके से चारों तरफ हमने स्प्रे कर दिया है। अब इससे कोई भी मक्खी वगैरह या कोई भी परजीवी इस पर नहीं बैठेगा,
और इसके बाद हम इसको ये टैक्सिम का एक इंजेक्शन लगा देंगे। 3 दिन तक हमको ये करना है। 3 दिन के बाद एक बार आप ड्रेसिंग की देख सकते हैं ज़रूरत है या नहीं, मुझे लगता नहीं है इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी। पस पूरा निकल चुका है और इस तरीके से पशु 5 से 7 दिन में पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको रिकवर किया और कैसे इसकी ड्रेसिंग करी। अब हमको केवल और केवल ये जो टैक्सिम इंजेक्शन है ये देना है और 3 दिन तक ये देना है ताकि ये घाव को सुखाए। ये एंटीबायोटिक है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कभी भी पशु को घाव होता है तो उसमें टैक्सिम एंटीबायोटिक बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये ह्यूमन मेडिकल पर कहीं भी मिल जाता है आसानी से, आप इसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। और भी इससे पशुपालन से जुड़ी जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में जाके सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर निश्चित रूप से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।